और ये हमारा चना सैलेड रेसिपी रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी के बारे में बात करूँगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वज़न कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि माह रमज़ान में हम वज़न को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में नेचुरली हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो बहुत बूस्टअप हो जाता है, और अगर हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करें अपनी डेली रूटीन में तो हमारे लिए डबल बेनिफिट है। तो आज की रेसिपी में हम लोग बनाएंगे चिकपी सैलेड। चिकपी सैलेड में हम लोगों ने ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें आपके पास टमाटर है, खीरा अवेलेबल है, प्याज अवेलेबल है, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ियाँ हैं कि जिसको ऐड ऑन करने से आपकी भूख जो है वो सुप्रेस हो जाती है, क्योंकि इनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपकी जो कंजम्पशन होती है खाने की वो कम हो जाती है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हम ज़्यादातर तली हुई अशिया खा रहे होते हैं। तो अगर आप अफ्तार के फ़ौरन बाद चिकपी सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी और आपके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं नज़र आएगी। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है और उसको किस तरह से आपने ऐड ऑन करना है ताकि आप उससे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। इस रेसिपी में सबसे पहले हम ऐड ऑन करेंगे एक खीरा, जिसको आप विद पील भी ऐड ऑन कर सकते हैं उसके छिलके के साथ। बहुत से पेशेंट्स जो हैं, बहुत से लोग छिलका प्रेफर नहीं करते, तो अगर आपको छिलका किसी भी किस्म का कोई जीआई इशू करे तो आप छिलका बेशक ना ऐड ऑन करें, आप विदाउट पील ऐड ऑन कर लें। इसके साथ इसमें हम ऐड ऑन करेंगे एक छोटे साइज का प्याज। प्याज के अलावा इसमें हम ऐड ऑन करेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि हम लोगों ने तीन ऐसी वेजिटेबल्स ली हैं कि जो बहुत से लोगों को पसंद भी होती हैं और तीनों ऐसी हैं कि जिसमें हमारे पास पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा पानी वाली सब्जियां आप कंज्यूम करते हैं आपका वजन उतना कंट्रोल रेंजेस में रहता है। इसके साथ हम इसमें ऐड ऑन करेंगे हाफ कप बॉइल्ड चने। चनों में यहाँ पर आप वैरायटी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप काले और सफेद चने मिक्स भी कर सकते हैं, आप काले चनों के साथ या सफेद चनों के साथ लोबिया भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी दाल भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या पसंद है। और इसके साथ हम इसमें ऐड ऑन करेंगे हरा धनिया और पुदीना। बहुत से लोगों को ये पसंद होता है और बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते, सो इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना अपने खाने में ये पसंद है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सीजनिंग के लिए मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगी कि नमक आपने बहुत ज्यादा ऐड ऑन नहीं करना, सिर्फ एक पिंच नमक ऐड करें जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है। नमक के अलावा इसमें आपने ऐड ऑन करनी है काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी इतनी ही आपने रखनी है, इसे कम नहीं करनी। काली मिर्च का हमारे पास फायदा ये है कि काली मिर्च जो है आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स को बनने से रोकती है, और वजन जिन लोगों का भर रहा होता है उनमें फैट सेल्स ज्यादा हो रहे होते हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड ऑन करेंगे इतनी ही क्वांटिटी में कुटा हुआ जीरा। जीरा अगर आपको साबित भी पसंद है आप साबित भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुटा हुआ लेते हैं, बहुत से लोग इसका टेस्ट प्रेफर करते हैं इसका कुटे हुए का, तो वो इस तरह से भी डाल सकते हैं। जीरे का फायदा क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करते हैं, जो कि बहुत से लोगों का स्लो डाउन होता है जिनका वजन बढ़ रहा होता है। और लास्ट पे इसमें हम ऐड ऑन करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और ये हमारा चना सैलेड रेसिपी रेडी हो चुकी है। और ये हमारा चिकपी सैलेड तैयार हो चुका है। आपने देखा है कि इसके अंदर कितनी सिंपल इंग्रेडिएंट्स और कितनी इजीली हमने इस रेसिपी को प्रिपेयर किया है, तो आप बिल्कुल इसको रमज़ान के महीने में ट्राई करें और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेरीज हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।